आरडी अधिकारियों द्वारा चिता के में मकानों को ध्वस्त करने से पहले कोई भी पर्याय सुविधा नहीं देने में जनता ने जताया अधिकारियों पर आक्रोश। कहा कि घर आवंटन में एमएमआरडी अधिकारी ने बड़े पैमाने पर किया है भ्रष्टाचार। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं चिता कैम, जहां पर एमएमआरडी द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसी को चलते जगह के लिए चिता कैम के झोपड़े में कई सालों से सर्वे हुआ था। उसी सर्वे को लेकर आज 272 झोपड़े को शिफ्टिंग करने की बात एमएमआरडी के लैंड डेवलपर राकेश जी द्वारा की जा रही है। वहीं पर यहां के उप जिला अधिकारी ने हमसे बात करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें साइड पर कोई बात करने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, हम बात करें चिता कैम में आज थोड़ा कार्रवाई के चलते, जहां पर जनता को कुछ पर्याय सुविधा ना देते हुए उन्हें बेघर किया जा रहा है। और वहीं जनता ने आरोप लगाया कि जहां पर शिफ्टिंग की जा रही है वहीं पर कोई साफ सफाई, नल, पानी सुविधा, शौचालय का कोई भी सुविधा नहीं कर होते हुए हमें वहाँ फ्लैट दे रही है, जबकि वहां पर 6000 रुपया मांगने का भी आरोप जनता ने लगाया है। क्या एमएमआरडी के अधिकारी कानून को ताक पर रखकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि संविधान के अंतर्गत और सरकार की गाइडलाइन है कि जब तक आप जनता को रूम के बदले पर्याय सुविधा नहीं देते, जब तब तक आप रूम खाली नहीं करा सकते। क्या एमएमआरडी के अधिकारी व सरकार से मिलकर गरीबों पर अत्याचार कर रही है, जबकि जनता ने बताया कि वहां जाने के बाद गंदगी का हर घर के अंदर ढेर लगा हुआ है और वहां पर लोगों की तबीयत खराब हो रही है। आइए देखते हैं जनता की जुबानी क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। हम मौजूद हैं आज चिता कैम में, जहां पर एमएमआरडी द्वारा एक डोमिनेशन चालू, शिफ्टिंग का काम चालू, लेकिन यहां के रहवासियों लोग की एक शिकायत है कि हमको कोई भी पर्याय सुविधा नहीं देने के बाद भी अर्जेंट एक तोड़क कार्रवाई हो रही है एमएमआरडी की तरफ से, उसी के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं क्या मसला है इन जो झोपड़वासियों हैं। अपना नाम बताइए। शेख गुलाब। मेरा नाम शोएब शेख गुलाब है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि पहली बात तो हम लोगों को यहाँ पे बच्चों की स्कूल की कोई सुविधा नहीं किया है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हमको शिफ्टिंग तो दिया है पर लेकिन ना वहाँ पे लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना किसी चीज़ की सुविधा है हमको वहाँ पे। दूसरी बात है कि वहाँ पे जाने के बाद सोसाइटी वालों ने हमारे लाइट पानी सब बंद कर, हमसे 6000 रुपया मांग रहे, वो भी हमारे को हमको टाइम पर वही 4-6 महीना शिफ्ट किया जा रहा है, तो हम 4-6 महीने के लिए हम 6000 रुपया क्यों भरे सबसे पहले? वो मेट्रो सेक्शन जाने और वो सोसाइटी वाले जाने, और हमसे, और जब तक हम नहीं दे रहे तब तक हमारे लाइट पानी कुछ नहीं है। अभी भी देखो हमारे सब सामान वैसे घर में पड़े, और अचानक बुलडोजर आ गई है यहाँ पे। अब बताओ हमें एक दो घंटे में हम लोग सामान कैसे शिफ्ट करेंगे, और हम लोग लाइट पानी का बंदोबस्त कैसे करेंगे बताइए आप? और साथ साथ माले पे सीनियर सिटीजन को दे दिया ना, वहाँ पे लिफ्ट की सुविधा है, किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, किसी को वहाँ पे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, किसी को अन्य तरीके की बीमारी है, लेकिन किसी तरीके की सुविधा नहीं। अगर कुछ हो जाता है, खुदा ना करे कुछ भी हो जाएगा, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? और दूसरी बात ये हमको वहाँ पे अगर आपने शिफ्ट किया तो पहले हमारे लाइट पानी ये सब चीज़ की सुविधा हमको होने के बाद भी, लिफ्ट की हमको सब सुविधा होने के बाद देना चाहिए था। आप अचानक चाबी दे दी और वहाँ पे बोलिए सब ओके होने के बाद वहाँ पे कुछ ओके नहीं है, और ना लाइट की सुविधा है, ना पानी, किसी चीज़ की नहीं है। ये एमएमआरडी की तरफ से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। एमएमआरडी ने हमको बोला, पहले तो हमसे ये कहा गया कि अब तक वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, हम किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये बात बोलने के बाद भी लोग अचानक आज बुलडोजर लेके आ गए, दे दी। क्या लगता है इसके अंदर कोई राजनीतिक प्रेशर है कि क्या है? राजनीतिक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना कि हम क्योंकि हम उसकी हमको इतनी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम गरीबों को तकलीफ है यहाँ पे काफ़ी, बस इतना। यहाँ के नागरिकों को चिता कैम के जो रहवासी जो यहाँ पे 20-20, 25-40 साल से रह रहे, आज एक घंटे में आ गया, ऐसा लग रहा हमारा कोई वजूद नहीं, हमको बहुत तकलीफ दे हो रही है यहाँ पे, और हमको झटपट हम लोगों को एक संभलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, मतलब जबरन कार्रवाई की जा रही है, जबरन कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी का पात्र गया, बहुत सारी तकलीफ है, ये सब चीजें भी क्लियर नहीं हुई अभी तक, और सीधा लाके बुलडोजर यहाँ पे चलाया गया। तो ये देखो जो पीड़ित हैं उनकी मांग है कि जबरन यहाँ पर कार्रवाई चल रही है एमएमआरडी की तरफ से, न कोई इनको दिया है, मतलब शिफ्टिंग दिया है तो वहाँ पर्याय सुविधा नहीं है, उनको लाइट नहीं है, उनको 6000 रुपया सोसाइटी द्वारा मांगा जा रहा है, तो क्या ये एमएमआरडी की जबरन जो कार्रवाई है इसे नाराज लोग हैं? आगे चलिए और एक लोगों से बात करेंगे, और जो पीड़ित है उनसे बात करेंगे।
अपना नाम बताइए और आपको आप कहाँ रहते हैं और आपके साथ में क्या हुआ है और आपको कहाँ एमएमआरडी ने रूम दिया है। मेरा नाम जैनब महीबुल्ला मनियार है, मैं चीता कैंप में रहते हैं। हमारा रूम नंबर 937 है। हम लोग को नेटवर्क पार्क में दिया है, उसमें लिफ्ट भी नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है, से पैरालाइज इंसान है वो कैसा चढ़ेगा। तो क्या क्या कहेंगे आप किसी घर के अंदर, आपको और क्या क्या तकलीफें हैं? उसमें बेसन टूटा है, उसमें सब कुछ भी सुविधा नहीं है उसमें। अभी अभी भी चाबी आपको कब दिया गया? कल ही हम लोग को चाबी दिया है, अभी ताला वो भी नहीं हुआ, अभी पेपर भी एक नहीं मिला हमारे को। अभी क्या बोल रहे हैं एमएमआरडी के अधिकारी? अभी टाइम तो दिया जाए तोड़ने के लिए, घर खाली करने के लिए टाइम तो दिया जाए, उसमें पहले पानी लाइट का सुविधा लिफ्ट का सुविधा करे, फिर उसके बाद हमारे को वहाँ शिफ्ट करे ना। ये जो नेटवर्क पार्क में एमएमआरडी द्वारा जो घर इनको आवंटन किया गया है, ये पैरालाइज पेशेंट है, उनको पांचवें फ्लोर पे दिया गया है, तो ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं, जो सुविधाएं होती है संविधान के, जो उनको घर में सभी सुविधा, सरकार का एक गाइडलाइन है कि पहले इनको पूरी सुविधा दो फिर उनका घर तोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर एमएमआरडी की कुछ शरारतें और बदमाशियों के कारण लोग यहाँ पर परेशान है। देख सकते हैं मेरे सामने पैरालाइज पेशेंट है, उनको पांचवें माले पर दिया गया है, तो वो किस तरह से पांचवें माले पे जा सकते हैं, न बिना सुविधा है न लिफ्ट की सुविधा। इसी तरह से लोग आज ये चिता कैंप में रहने वाले जो लोग आज एमएमआरडी के कार्रवाई के चलते परेशान हैं, उन अधिकारियों जो यहाँ के मेन अधिकारी है राकेश, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जो एक चाबी 15 से 20 दिन पहले दिया उनकी थोड़ा कार्रवाई होगी, और कल से 2 से 2 दिन पहले दिया तो उनकी कार्रवाई। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है एमएमआरडी के अधिकारी द्वारा, जो कि यहाँ पर जिनको सुविधा नहीं दी कि वहाँ पर पानी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि वहाँ पर पानी नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, लिफ्ट की सुविधा नहीं है, उनके घरों में जो लीकेज है बारिश के कारण उनके कोई भी सुविधा नहीं, ना उनके पेंट की सुविधा। तो आप एक सोच सकते हैं कि चिता कैंप के जो रहने वाले, क्या ये इंसान नहीं है, इंसान नहीं है इस, क्या उनको यहाँ से जबरन उसको घर जो आशियाना उनको कई साल से रहते हैं उनको तोड़ के भगाया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि ये एमएमआरडी की जो अधिकारी की जो बदमाशी है कितनी हद तक पार हो सकती है। जो आज यहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, बोला जाए तो बीजेपी की सरकार है, सिंधे साहब बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, तो क्या इन चिता कैंप में रहने वाले को क्या इनका न्याय से वंचित रहेंगे और सभी सुविधाओं के वंचित रहेंगे? देख सकते हैं कि जिनको वहां पर रूम मिला हुआ है, कहां मिला हुआ है, उनसे बात करेंगे और उनकी क्या कहना है कि उसके बारे में कितनी गंदगी है। तो अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम आसिया इब्राहिम है। आप कहां रूम मिला आपको? मेरे को वो क्या बोलते हैं वो शिवाजी नगर के पास है ना, हाँ वहां का मिला है, लेकिन इतनी गंदगी है वहां पे। मुझे चाबी दिए, जब मैं गई घर खोली अंदर भी ऐसा लग रहा कि शौचालय रूम में, दोनों बाथरूम ऐसा शौचालय के ऐसा, और बाहर ऐसा दहलीज के बाहर इतनी गंदगी, पेम्पर सब लगता, गटर का पानी सब दहलीज के पास ही है। वहाँ से आने के बाद मैं 3 दिन तक का मैं बिस्तर पे थी, इतनी मेरी तबीयत खराब थी, इतनी उल्टी, पूरा रास्ता पर उल्टी करके इन लोग मेरे को रिक्शे में डाल के यहाँ लेके आए घर पे, इतनी गंदगी। हम लोग का चीता कैंप है, झोपड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी साफ सफाई है, हम लोग उस झोपड़े में भी निकाले ना, लेकिन इतनी गंदगी में तो हम लोग कभी रहे नहीं। हम लोग का भी एरिया झोपड़ा ही है, लेकिन हमारी एरिया में आके देखो कितना साफ सफाई है, लेकिन इतनी माड़ा की बिल्डिंग बोलते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग कहलाने के लायक ही नहीं है, उससे अच्छा तो हमारा झोपड़ा है। और उसके बावजूद सब प्लानिंग के तौर पर हम लोग को सबको बिखरा के फेंका है, कभी 4 उधर, कभी वो 4 बिल्डिंग में, वो 4 बिल्डिंग में, ऐसा जूने बिल्डिंग में गंदगी में लेके जाके फेंका है। हम लोग बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए तो भी वो लोग बोलते हैं नहीं लेना ही है, और लेने जाने से पहला वहाँ पे जो रहता है उसको पेपर जमा करना है, वो 5,000 रुपया मांग रहा है ताबा देने का। हाँ वो सोसाइटी है क्या है मालूम नहीं, माड़ा वाला हम लोग को पेपर दिया तो क्या बोला, यहाँ से वहाँ जाओ और ये 3 पेपर है उसका जेरॉक्स निकालो, वहाँ जमा करो। जहाँ जमा करने गए वहाँ का वो जो है उधर पे आदमी, उसने बोला। तो ये 5,000 की क्या मांग है वो बात करेंगे हमारे साथ, एक और हमारे साथ में एक युवक है यहाँ के, उनका भी रूम है जो खूबसूरती का रूम था, उन्होंने भी एक बहुत सारी तकलीफ हो रही है। मेरा नाम रहमत अंसारी है और मैं इसी गली में रहता हूँ, मेरा रूम नंबर 37 है, 20 सेक्टर आईलाइन। एक्चुअली हम लोग जब फ्राइडे को गए थे वहाँ पे लेने के लिए, तो पहला तो ये देखिए मेरी भाभी मतलब जो मेरे बड़े भाई थे उनको एक्सपायर हो गए, और मेरी मम्मी है, तो हमको एक जगह एक घर लल्लू भाई में दिया और एक गोंडी में दिया, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरा जब हम वहाँ पे गए तो इतनी गंदगी है, मैं आपको वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, मैं मतलब आदमी रह नहीं सकता, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वो खाला गए थे, खाला की तबीयत खराब हो गई वहाँ पे, उनको ऑटो में डाल के लेके आना पड़ा। दूसरा
आप ये देखिए यहाँ पे जो मेजोरिटी थी, अगर आप दे रहे तो सिस्टमेटिक दीजिए ना। हाँ, अब क्या हो रहा, किसी को लल्लू भाई में फेंक रहे हैं, किसी को ये भेज रहे हैं। अभी मैंने उनको बोला कि एक काम कीजिए, अभी मेरी भाभी है, मम्मी है, मेरी भाभी है, मम्मी है, तो उनको साथ में दीजिए। तो क्या बोलते, लेना है तो लो, ये तो एक काम करो, थोड़े दिन वेट करो, अभी हमको वाशी नाका भी मिलने वाला है तो आपका हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। लेकिन हाँ नहीं, वो टेम्प्रोरी। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि आपको मैं कुर्ला में देने वाली हूँ, ठीक है, ये उन्होंने हमको बात किया। मैंने उनको समझाया कि थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो सुनने को तैयार नहीं थे। दूसरा, जब मैंने कलेक्टर मैडम से बात किया तो वो बोलते आपको अभी लेना है, चार दिन में खाली करना है। तो मैंने बोला मैडम चार दिन में कैसा खाली हो जाएगा, तो बोले हम लोग सुनने वाले नहीं है, चार दिन बहुत होता है खाली करने के लिए। परब मैडम, परब मैडम, पूरा नाम याद नहीं है मेरे को, परब उनका सरनेम है, सुषमा परब। तो उन्होंने डायरेक्ट में वो धमकी दिया, चार दिन में आपको खाली करना है, हम लोग डेमोल्यूशन करेंगे करेंगे। कहीं ना कहीं एमएमआरडी के जो अधिकारी हैं, सुषमा कलेक्टर मैडम, जिला, कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। मेरा बोलना ये कॉर्पोरेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, पब्लिक को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। और ये अभी आप देखिए ना, फ्राइडे को मेरे को चाबी मिली, आज तोड़ने के लिए घर आ गया, मेरा छोटे बच्चे हम लोग सब साथ में ले गया, छोटे बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे अभी। तो आप देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से कुछ अगर होता है तो देखिए, थोड़ा हमको टाइम मिले, हम लोग आराम से खाली करके कहीं शिफ्ट हो जाए, सबका यही बोलना था। ठीक है, थैंक यू। तो सबका यही बोलना है कि एमएमआरडीए की तरफ से इनको कुछ टाइम दिया जाए और जो सुविधा दी जा रही है वो सुविधा को अच्छी तरह से दे, क्योंकि वहाँ पर इंसान जो यहाँ पर हैं वहाँ अच्छी तरह से रह सके और उनको सब सुविधा दे सकते।